लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। क्या रणवीर सिंह की फिल्म 83 भी ऑनलाइन होगी रिलीज? प्रोड्यूसर ने बताया सच। अगर आप भी रणवीर सिंह की फिल्म 83 का इंतजार कर रहे हैं और आजकल फिल्म को लेकर खबरें पढ़ रहे हैं कि वे ऑनलाइन स्ट्रीम होने जा रही है, तो हम आपको बता दें कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आपका इंतजार अभी लंबा होने वाला है। ऑन स्क्रीन कपिल देव बनने जा रहे रणवीर की फिल्म 83 को लेकर ऐसी सारी खबरें अफवाह है। फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि फिल्म को पहले थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा, फिर चाहे उसके लिए 6 महीने तक का इंतजार क्यों ना करना पड़े। दरअसल पिछले काफी दिनों से माया नगरी के गलियारों में खबरें तेज है कि लॉकडाउन की वजह से 83 के मेकर्स फिल्म को डिजिटली रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा, खुद फिल्म के प्रोड्यूसर ने इन सभी खबरों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि फिल्म को ऑडियंस के लिए थिएटर में ही रिलीज किया जाएगा, इसके लिए चाहे 6 महीने तक का इंतजार ही क्यों न करना हो, 6 महीने बाद भी हालात ऐसे ही रहे तो फिर फिल्म को लेकर कुछ सोचा जाएगा। प्रोड्यूसर की तरफ से यह भी बताया गया है कि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क अभी बाकी है, लॉकडाउन खुलते ही पहले उसे पूरा किया जाएगा और उसके बाद फिल्म के लिए सूटेबल रिलीज डेट तय की जाएगी। आपको यह भी बता दें, 11 मार्च को फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज होना था, लेकिन देश भर में बढ़ रहे कोरोना से संक्रमित लोगों के मामलों को देखते हुए बैक टू बैक कई इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए। यही वजह थी कि मेकर्स ने 11 मार्च को होने वाले 83 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को कैंसिल कर दिया था। यह फिल्म 10 अप्रैल 2020 को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन वे भी मुमकिन नहीं हो पाया। फिल्म को लेकर ऑडियंस में काफी क्रेज है। फिल्म की कहानी 1983 के वर्ल्ड कप पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव का किरदार निभाते नजर आएंगे, तो वहीं कपिल देव की पत्नी रोमी देव के किरदार में दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। फिल्म में साकिब सलीम, पंकज त्रिपाठी, हार्डी संधू जैसे सितारे भी नजर आएंगे।